हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं हूँ माही और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स इन माही में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा फ्रूट जिसको अगर आप 5 मिनट के लिए चेहरे पर रब कर लेते हैं डेली, तो चेहरे की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी एंड जितने दाग धब्बे हैं वो चले जाएंगे और साथ के साथ चेहरे की रंगत निखर जाएगी। और आपका कोई भी स्किन टाइप हो, हर स्किन टाइप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं ऐड करना हो तो आप सिंपल उस फ्रूट को भी अपने चेहरे पर रब कर सकते हैं, उसके भी फ़ायदे आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं अभी आपको बताती हूँ, ये है पपीता है पका हुआ अच्छे से, 2 पीसेस में मैंने कट कर लिया है और सेंटर में से मैंने यहाँ से देख लीजिए कट लगा दिया है ताकि इसको जब मैं रब करूँ तो इसका एक एक हिस्सा, इसका मतलब इतना सा भी बचे ना, अच्छे से मेरे चेहरे पर इसका जो रस से अच्छे से मेरे चेहरे पर आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके फ़ायदे क्या है। पपीता को चेहरे पर अगर आप रब करते हैं ना डेली, अगर आप 1 हफ्ता डेली रब कर लेंगे तो आपकी सालों की जमी हुई जो चेहरे पर टैन हो जाती है ना, जो रंग एकदम काला हो जाता है धूप में घूम घूम के या धूप में बैठ बैठ के, आगे विंटर सीज़न आएगा, अभी नहीं, अभी टाइम है, आएगा जब हम बहुत ज़्यादा धूप में बैठते हैं तो इतनी सारी टैन, इतनी सारी मतलब गंदगी हमारे चेहरे पर जमा हो जाती है, चेहरा इतना काला हो जाता है। उसके लिए अगर आप डेली धूप में बैठते हैं तो इसको डेली 5 मिनट के लिए रब कर लीजिएगा, सारी टैन निकल जाएगी चेहरे की। सिर्फ इसी को इस्तेमाल करने से, कुछ भी आपको इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके असर को आप अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर सकते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से हल्का सा हल्दी लगा लीजिए एंड देन उसके बाद से रब कीजिए। आप देखिए टैन कैसे गायब हो जाती है, चेहरे का रंग कैसे निखर जाता है एंड साथ के साथ चेहरा आपका एकदम सॉफ्ट हो जाता है, बच्चों की तरह एकदम मुलायम हो जाएगा। ओके, अब अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो फिर ये आपके लिए मैजिकल फ्रूट है, समझिए, ड्राई स्किन के लिए। बस आपको क्या करना है, इसको पेस्ट बना लेना है, पपीते का अच्छे से पेस्ट बना लेना है एंड उसके बाद से इसमें थोड़ा सा आपको शहद ऐड कर लेना है, सिर्फ थोड़ा सा, 2 से 4 ड्रॉप्स। एंड देन वो शहद क्या करेगा, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और पपीता तो रंग को निखारेगा ही, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा ही, स्किन के दाग धब्बों को दूर करेगा। एंड जितनी हमारे चेहरे पर गंदगी हो जाती है ना, पोर्स जो हमारे गंदगी हो जाती है जब पोर्स ओपन होते हैं तो उसमें जो घुस जाती है उसको भी ये निकाल देगा। एंड मैं इसको अंडर आई एरिया में भी रब कर रही हूँ क्योंकि ये डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। इसमें ना केमिकल होता है एक ऐसा जो स्किन टोन को निखारता है। ओके, तो इसके लिए इसको अगर आप चेहरे पर डेली रब करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। आप देख रहे हैं मैं चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का सा येलो येलो कलर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हल्का सा, बट ये बहुत फ़ायदा करता है। हाँ, अगर आपकी स्किन अब ऑयली है, क्योंकि मुझे इसका पूरा रस चाहिए तो अब मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। मैंने इसको ना मिक्सी में इसके लिए नहीं पीसा, वो बहुत गिरता है, बहुत स्लिप होता है फिर बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए मैं सीधा इसी को अप्लाई कर रही हूँ। ओके, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको मिक्सी में पीस करके ना हल्का सा मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर लीजिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और फिर उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे का जो एक्सेस ऑयल है वो भी सोख लेगा, रंग भी निखर जाएगा, स्किन टाइट भी होगी एंड जो दाग धब्बे हैं वो भी चले जाएंगे। और अगर आपकी स्किन जो है एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, उनके मार्क्स रह जाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा आपको चेहरे पर ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, एक्ने जो अगर आपको हो जाते हैं, एक्टिव एक्ने पर तो कुछ भी मत लगाइए, सिर्फ उसका इलाज करने के लिए जो आप क्रीम या कोई ट्यूब लगाते हैं वही लगाइए, लेकिन उनके दाग धब्बों को दूर करने के लिए ना आप इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बेसन इसके पेस्ट में मिक्स करके लगाएंगे तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स तो निकल ही जाएंगे एंड साथ के साथ क्या होगा, चेहरा आपका चमकदार हो जाएगा, दाग धब्बे भी चले जाएंगे। तो बेसन और हल्दी ऐड कर सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, बहुत ऑयली स्किन हो तो मुल्तानी मिट्टी ऐड कर सकते हैं, ड्राई स्किन हो तो शहद ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी मत ऐड कीजिए, सिंपली इसको 5 मिनट के लिए डेली अपने चेहरे पर मसाज कीजिए, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी
चेहरे का रंग निखर जाएगा, जो काली काली टैन हमारी स्किन के ऊपर जमा हो जाती है धूप में बैठने की वजह से, वो सारी की सारी टैन चली जाएगी। बस इसको आप चाहे तो डेली अप्लाई कर सकते हैं, डेली अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो एक दिन बाद कर लीजिए, बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। बाकी की जो क्रीम्स आती हैं महंगी महंगी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यार पूरी दुनिया तो अफोर्ड नहीं कर सकती ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस तरीके के इलाज कर सकते हैं। एक तो ये 100% नेचुरल है और क्रीम से कहीं सस्ता पपीता मिल जाएगा आपको मार्केट में, खा भी लेंगे और चेहरे पर लगा भी लेंगे। और ये इफ़ेक्टिव, बहुत इफ़ेक्टिव है, 100% इफ़ेक्टिव है, 100% नेचुरल है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना इसका येलो येलो पका हुआ था ऑरेंज, सब इसका जूस निकल के मेरे चेहरे पर अच्छे से हो गया है, आ गया है। एंड मैं तो बहुत सारे फ्रूट्स अपने फेस पर लगाती हूँ, एवोकाडो लगाती हूँ, मैंगो लगाती हूँ, पपीता, बनाना, क्योंकि ना ये जितने फ्रूट्स हैं ना ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और स्किन का जो टेक्सचर है उसको तो इम्प्रूव करते ही हैं, साथ के साथ स्किन को ना सॉफ्ट कर देते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन इनको यूज़ करने से। और देखिए इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी फ्रूट आप अपने चेहरे पर मलते हैं ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि हम कोई ऐसी क्रीम लगा लेते हैं, कुछ ऐसा पैक लगा लेते हैं, वो सूट नहीं करता, वो हमारे चेहरे पर पिंपल्स दे देता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। तो आप इसको इसी तरीके से ऐसे कोई भी फ्रूट ले लीजिए जो एंटी एजिंग में हो, काम करता हो। बनाना बहुत हेल्प करता है, मैंगो बहुत हेल्प करता है, पपाया तो बहुत हेल्प करता है। तो एंड ये ग्लो देता है चेहरे पर, इंस्टेंट ग्लो देता है। अभी मैं आपको अपना चेहरा वॉश करके दिखाऊंगी, देखिएगा कितनी अच्छी चमक देता है। तो इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा सकते हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको चेहरे पर छोड़ दीजिए, 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, आपके पास टाइम जितना हो उतना अच्छा है। 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एंड थोड़ा सा सूख जाए तो इसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। इसको आप सुबह उठकर कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, चेहरे का ना एकदम रंग निखर जाता है। हाँ अगर आपको हल्दी सूट नहीं करती है तो स्किप कर दीजिए, मत मिक्स कीजिए इसमें, आप इसको ऐसे ही यूज़ कीजिए। और कुछ लोगों को होता है हल्दी नहीं सूट करती है तो वो सिर्फ पपीता रब करके ही चेहरे का रंग निखार सकते हैं, हल्दी की जगह आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा कट कीजिए, 2 से 4 बूंदें ना नींबू के रस की डाल दीजिए, या आप इसमें ये स्लिप होता रहेगा, आपने इसमें नींबू के रस की जगह आप इसमें ऑरेंज जूस भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको नींबू का रस ना सूट करता हो आपकी स्किन पे तो। एंड ऑरेंज जूस भी बहुत हेल्पफुल होता है स्किन टोन को निखारने में, विटामिन सी होता है उसमें। एंड ऑरेंज जूस भी नहीं अगर अवेलेबल आपके पास तो ऑरेंज पील पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका पेस्ट बनाइए मिक्सी में, उसको ऑरेंज पील के साथ मिक्स कर लीजिए, उसमें मिला लीजिए एंड देन अपने चेहरे पर लगा कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, देखिए फिर कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं आपको। अगर आपकी शादी होने वाली है ना स्पेशली, उसके लिए बता रही हूँ, 1-2 महीना पहले डेली अपने चेहरे पर 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए, शादी तक आपको कोई फेशियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, इतना आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा इसको लगा के। हमारे पास ना बहुत सारी इजी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों चूज़ करते हैं ना महंगी वाली, और वो मतलब ठीक है टाइम भी नहीं है सबके पास इतना ताम झाम करने का, बट ये ज़्यादा बेटर है आई थिंक। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस वॉश कीजिए, उसके बाद से अपने चेहरे की चमक देखिए कितनी अच्छी चमक हो जाती है। तो मुझे अभी 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं चेहरे पर रब करते हुए, आज मैं डेली अपने चेहरे पर कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ या DIY फेस मास्क ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, आज मैंने इसी को इस्तेमाल किया है, आज ही नहीं अक्सर मैं करती हूँ, पपैया मुझे बहुत पसंद है तो मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस पर और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे। एंड अभी मैं आपको अपना चेहरा वॉश करके, ये 5 मिनट में सूख जाएगा अभी, उसके बाद वॉश करके आपको अपना फेस दिखाती हूँ मैं। हाँ मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मैंने सिंपल पानी से वॉश किया है, अपने चेहरे पर फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं किया है एंड यू कैन सी इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है ये चेहरे पर, और जो टैन होती है उसको तो ये बहुत जल्दी निकाल देता है और चेहरा जो है ना हमारा एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है। तो ये देख लीजिए मैंने फेस वॉश कर दिया है और कितने अच्छे से ना
क्लियर लग रहा है फेस, जो हमारे डर्ट पोर्स के अंदर होती है ना, वो दिखाई नहीं देती है, उसको भी ये निकालता है, बहुत अच्छे से निकालता है अंदर से, एंड चेहरा एकदम क्लियर कर देता है। मेरे को ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स लग रहे थे, कि हल्के हल्के जो बिल्कुल बारीक वाले होते हैं, जो स्क्रब से भी नहीं निकलते हैं, मतलब वो गंदगी होती है चेहरे पर, तो वो सारे निकल गए हैं अभी। एंड मैं फील कर सकती हूँ कि मेरा चेहरा कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा है, और ये आप खुद ही देख सकते हैं कैसे कितना ब्राइटनेस आ गई है चेहरे पर। एंड मुझे तो ये बहुत पसंद है भाई, मैं तो इसको हमेशा लगाती रहती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप कोई महंगी क्रीम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो आप इन चीज़ों से ही अपना चेहरा चमका सकते हैं, एंड रिज़ल्ट आपके सामने हैं, बिल्कुल सामने है। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर, ऐसे ही मेरा चेहरा चमक रहा है, देख लीजिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस, 2-3 दिन के लिए शायद मेरी वीडियोस नहीं आ पाए, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ किसी काम में, शायद मैं 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी, एंड कर पाई तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया हुआ है तो, नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए। अगर पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नहीं करूँगी तो फिर वेट कीजिएगा 2 से 3 दिन। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।